दुनिया भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद जारी है। इसी बीच कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडीज मिलना खुशी और उम्मीद की एक नई किरण के समान है। नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार अलामाज में पाई जाने वाली नैनो बॉडीज SARS-CoV-2 के प्रोटीन की ACE2 से होने वाली इंट्रैक्शन को ब्लॉक कर सकती है। आपको बता दें कि ये इन स्पाइक्ड प्रोटीन्स का ACE2 के साथ इंट्रैक्शन ही है जिससे SARS-CoV-2 हमारे शरीर के सेल्स में घुस उन्हें संक्रमित कर देता है। पर कहां से मिली ऐसी एंटीबॉडीज और ये कैसे काम करती हैं? बेल्जियम में रहने वाली 4 साल की फीमेल अलामा में SARS-CoV को बेअसर करने वाली एंटीबॉडीज पाई गई हैं। ये विंटर नामक अलामा एक साउथ अमेरिकन मैमल है। हालांकि फीफी नाम के एक और अलामा पर रिसर्च करके कुछ नई एंटीबॉडीज की भी खोज की गई है। रिसर्चर्स ने बताया कि इंसानों की तरह ही बाकी मैमल्स में भी एंटीबॉडीज की 2 जीन्स होती हैं, पर कैमलेट्स में एक और तरह की एंटीबॉडी का वेरिएंट मौजूद होता है जिसे नैनोबॉडी कहते हैं। नैनोबॉडीज असल में छोटी, स्थिर और आसानी से पैदा होती है, इसीलिए इन्हें पुरानी एंटीबॉडीज के विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। रोजलिंड फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने ऐसी 2 नैनोबॉडीज के बारे में खोज की है और ये दोनों ही SARS-CoV-2 के स्पाइक्ड प्रोटीन्स को ACE2 के साथ जुड़ने नहीं देती। इस स्टडी के वैज्ञानिकों की माने तो इन नैनोबॉडीज को अकेले या दूसरी एंटीबॉडीज के साथ जोड़कर गंभीर रूप से बीमार कोरोना वायरस पीड़ितों को पैसिव इम्यूनाइजेशन देने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि इस स्टडी में पाई गई नैनोबॉडीज कोई वैक्सीन नहीं है, बल्कि ये कोवैलेसेंट सीरम की तरह इस्तेमाल होंगी, जो कि गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना वायरस के मरीजों में वायरस की बढ़ोतरी को रोकेगा। हालांकि आपको बता दें कि कैमलेट्स में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज इंसानों के लिए कम कारगर है और ये सिर्फ कम मात्रा में ही हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। पर खुशी की बात ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बदौलत हम इसे और भी बेहतर और हमारे लिए उपयोगी बना सकते हैं। इस स्टडी के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को भी शुरू कर देंगे।